मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। फाइनली दोस्तों, अब ये कंफर्म हो चुका है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर KGF चैप्टर 2 को इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, ये जो इतिहास बनाने जा रही है, ये इतिहास तो दोस्तों बॉलीवुड से कभी जीवन भर में भी नहीं टूटने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, और जानने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म की अभी तक की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में, और बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या KGF चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार संजय दत्त के डाहट फैंस हैं और उनकी फिल्म KGF का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है KGF चैप्टर 2, जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को रिलीज किया जाना है। इस फिल्म के सामने दोस्तों बॉलीवुड की फिल्म जर्सी रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों फाइनली आज जर्सी के मेकर्स ने यह अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म एक हफ्ते आगे बढ़ चुकी है और वो KGF से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। KGF का दोस्तों जिस तरह का क्रेज ऑडियंस के बीच में देखने को मिल रहा है और जिस तरह की एडवांस बुकिंग KGF ने अपने पहले दिन के लिए कर ली थी, उतनी कमाई तो दोस्तों जर्सी अपने शुरुआती 3 दिनों में या पहले वीकेंड में भी नहीं कर पाती। यही वजह रही दोस्तों कि बॉलीवुड की फिल्म जर्सी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर KGF से डरकर भाग चुकी है, और यही वजह है दोस्तों कि KGF को अब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किसी का बाप भी 200 करोड़ से बड़ी ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, अब ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही अपने पहले दिन 60 करोड़ से भी बड़ी ओपनिंग लेकर इंडियन हिस्ट्री में एक और नया इतिहास दर्ज करने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि KGF चैप्टर 2 को सिर्फ नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी मार्केट में 4,500 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है, जहां से इस फिल्म की जो एडवांस है वही लगभग 25 करोड़ रुपए के आंकड़े को अभी तक पार कर चुकी है। अपने पहले दिन के लिए दोस्तों इस फिल्म की जो टोटल एडवांस है वो 17.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, और जल्द ही दोस्तों ये फिल्म अपने रिलीज के पहले तक 40 करोड़ से ज्यादा की एडवांस अपने पहले दिन ले लेगी और वॉर और बाहुबली 2 के पहले दिन की एडवांस को पीछे कर चुकी होगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों हिंदी में इस फिल्म का अपने पहले दिन का कलेक्शन 60 नहीं बल्कि 65 या फिर 70 करोड़ का भी हो सकता है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है, जिसमें दोस्तों कन्नड़ा और तेलुगु में इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 80 करोड़ रुपए का आने वाला है। हिंदी में ही ये फिल्म लगभग 70 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। तमिल और मलयालम भाषा को मिलाकर इस फिल्म को लगभग 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यह फिल्म सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से बड़ी ओपनिंग लेगी, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 260 से 280 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर साबित होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को दुनिया भर में 12,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग हो चुकी है, जहां पर यह फिल्म अपने पहले ही दिन एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ले सकती है। दोस्तों अगर इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो यह फिल्म सिर्फ शुरुआती 4 ही दिनों में हिंदी में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो लाइफ टाइम है वो 2000 से 2500 करोड़ का भी हो सकता है, और जिस तरह से दोस्तों इस फिल्म का क्रेज हम सभी को ऑडियंस के बीच में देखने को मिल रहा है, दोस्तों यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब किसी से नहीं रुकने वाली है। आपको दोस्तों क्या लगता है KGF चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन का कलेक्शन कितना होगा, हमें जरूर बताइएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और इस फिल्म से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।